आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम करेंगे. डिटरमाइन द चेंजेस इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए स्टील बार विच इज़ 4 मीटर लॉन्ग, 30 mm वाइड एंड 20 mm थिक एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 30 kN इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ. टेक कैपिटल ई इक्वल टू इंटू 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन्स रेशियो 0.3. तो स्टील बार में उसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में क्या चेंजेस आते हैं जब हम लोग एक एक्सियल पुल यानी कि फोर्स 30 kN उसमें डालते हैं. तो लेंथ का मेजरमेंट दिया है 4 मीटर, ब्रेथ का मेजरमेंट दिया है 30 mm और थिकनेस का दिया है 20 mm. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कैपिटल ई इक्वल टू इंटू 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है और पॉइजन्स रेशियो यानी कि म्यू इक्वल 0.3 दिया है. अब गिवन डेटा लिख लेते हैं. तो लेंथ एल दिया है 4 मीटर यानी कि 4000 mm यानी कि मतलब 1 मीटर इक्वल 1000 mm होता है इसलिए. ब्रेथ यानी कि स्मॉल बी 30 mm, थिकनेस यानी कि स्मॉल टी इक्वल 20 mm और एक्सियल पुल पी इक्वल 30 kN दिया है विच इज़ इक्वल टू 30,000 N. 1 kN इक्वल 1000 N होता है. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो आगे देखते हैं. अब हमें चेंजेस इन लेंथ पता लगाना है यानी कि डेल एल पता लगाना है. तो उसके लिए हम लोग हुक्स लॉ यूज़ करेंगे, कैपिटल ई इक्वल सिग्मा बाई ई. इसमें हम लोग को स्ट्रेन का वैल्यू पता चल जाएगा. तो स्ट्रेन इक्वल स्ट्रेस बाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. स्ट्रेस का मतलब क्या है? लोड बाई एरिया. तो इक्वल पी डिवाइडेड बाई ए इंटू ई. और यहाँ पे स्टील बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे पहले. इक्वल टू बी इंटू टी. बी है 30, टी है 20, इक्वल 600 mm स्क्वायर. लोड है 30,000 डिवाइडेड बाई एरिया 600 इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10^5. कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को स्ट्रेन का वैल्यू पता चल जाएगा, वो है 0.0025. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का और दूसरा फार्मूला क्या है? डेल एल बाई एल यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. क्योंकि हम लोग को स्ट्रेन का वैल्यू पता चल गया है 0.0025 इक्वल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई 4000. चेंज इन लेंथ इक्वल 0.0025 इंटू 4000. तो इसका वैल्यू क्या है? 1 mm है. अब हम लोग चेंजेस इन ब्रेथ देखेंगे. तो चेंजेस इन ब्रेथ जानने के लिए फिर से स्ट्रेन का वैल्यू देखना है. स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ या ब्रेथ या थिकनेस. अभी हम लोग लैटरल स्ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे. डेल बी डिवाइडेड बाई बी. और म्यू का फॉर्मूला क्या है? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. तो हमें पहले लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू जानना है. तो पॉइजन्स रेशियो 0.3 दिया है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन 0.0025 दिया है. तो हमें लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा 0.3 इंटू 0.0025 इक्वल 0.4075. लैटरल स्ट्रेन का दूसरा फार्मूला क्या है? डेल बी डिवाइडेड बाय बी. डेल बी इक्वल लैटरल स्ट्रेन इंटू बी. लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू है 0.0075 इंटू बी का वैल्यू दिया है 30. तो हमें चेंज इन ब्रेथ का वैल्यू पता चल जाएगा. डेल बी इक्वल 0.0015 mm. अब हम लोग चेंजेस इन थिकनेस देखेंगे. तो लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? डेल टी बाई टी यानी कि चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल थिकनेस. लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या है? 0.4075 इंटू डेल टी बाई 20. डेल टी इक्वल 0.4075 इंटू 20. तो वैल्यू ये आ जाएगा. तो इस तरह हम लोग चेंजेस इन लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस जान गए हैं. आगे